जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको तरीका बताऊंगा एक्स टोकन सेल करने का। एक्स एम्पायर के टोकन आल जो है एक्सचेंज के ऊपर रिसीव हो चुके हैं। आप जाएं ओके एक्स में देखें, बायबिट में देखें, बिटगेट के अंदर देखें, जहां पे आपने विड्रा अपना लगाया था वहां पे आपको रिसीव हो चुके हैं। अब जो यहाँ पे मैं पूरी जो है यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि आपने जो है अपने टोकन सेल आउट जो है वो कैसे करने हैं। तो अब यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हमने तीन तरीके जो है वो देखने हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया उसके अंदर आपको सिग्नल दूंगा किस टाइम आपने सेल करना है या होल्ड करना है, ये सारा कुछ उस टाइम बता दूंगा व्हाट्सएप चैनल के अंदर। और इंशाल्लाह मैं आज लाइव भी आऊंगा 5 बजे के बाद या 5 बजे, जैसे वो आप कमेंट करेंगे कि 5 बजे से पहले आ जाऊं लिस्टिंग, क्योंकि 5 बजे आज अगर आप बोलेंगे तो पहले आ जाऊंगा, अगर आप बोलेंगे तो बाद में आ जाऊंगा, जैसे आप बोलेंगे। तो लाइव भी इंशाल्लाह आज मैं आऊंगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, वीडियो लाइक नहीं की वो भी जरूर करें। यहाँ पे जो है ओके एक्स से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। ओके एक्स के अंदर मैं देखना चाह रहा हूँ कि मुझे एक्स टोकन रिसीव हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पे नीचे आपने वैलेट के ऊपर क्लिक करके पहले आपने देख लेना है कि एक्स टोकन आपको मिले हैं। जी यहाँ पे मुझे जो है मिल चुके हैं, यहाँ पे देखें 48,000 टोकन जो है मुझे मिले हैं। अब हमने क्या करना है, इनको सेल आउट करना है। सेल आउट करने के लिए यहाँ पे ट्रेड के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा आपका वक्त जाया ना हो, सॉरी। यहाँ पे आपने जो है क्लिक करना है ट्रेड के ऊपर। यहाँ पे आपको कोई भी टोकन, यहाँ पे BTC, इथीरियम, जो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है आपने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करके आपने ऊपर सर्च बार के अंदर जो है एक्स लिख देना है। क्या लिखना है, जस्ट आपने एक्स। यहाँ पे देखें एक्स का टाइमर भी आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे एक्स का पेयर भी आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जो ये आपने क्लिक किया, यहाँ पे मेन चीजें हैं ये जो बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इन लाइफ आपके ये चीजें काम आएंगी और पूरी जिंदगी आप ये चीजें नहीं भूल पाएंगे। जो भी टोकन जब भी आप सेल करने जाएंगे आपको तरीका पता होगा। लिमिट ऑर्डर के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसको आपने मार्केट कर देना है, ठीक है, मार्केट ऑर्डर, ताकि आप जिस टाइम जो ऐसे सेल के ऊपर आपने क्लिक किया तो आपके टोकन जो है वो सारे चले जाए। ऊपर आपने सेल के ऊपर क्लिक करके मार्केट ऑर्डर कर देना है। और यहाँ पे अमाउंट आपने एक्स टोकन, जितने मेरे पास 48,000 टोकन थे तो मैं टोटल अपना टोकन जो यहाँ पे टाइप कर दूंगा। अगर टाइप नहीं करना, ये पट्टी जो आपको नजर आ रही है इसको मैं जो है खींच के जो है यहाँ पे ये वाली पट्टी, अभी तो नहीं आ रही क्योंकि टोकन नहीं पड़े, यहाँ पे आपने यहाँ तक एंड तक जो है इसको कर देना है। करने के बाद आपके जितने भी टोकन होंगे वो आपको यहाँ पे शो करवा देगा और जितने आपके डॉलर बनेंगे वो भी आपको यहाँ पे शो करवा देगा। आपने सेल एक्स के ऊपर क्लिक किया, जो ही आप क्लिक करेंगे आपके क्लिक करने के बाद जितने भी डॉलर आपके बनेंगे वो यहाँ पे आपके एक्स के अंदर, यहाँ पे आपके डॉलर के अंदर जो है वो आपको शो हो जाएंगे। ये यहाँ पे जहाँ पे मेरा एक डॉलर आपको USDT शो हो रहा है, यहाँ पे आपके टोकन जो सॉरी डॉलर यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर तो आप जहाँ यहाँ पे आते हैं ट्रेड के ऊपर आपको एक्स टोकन आपके नजर नहीं आ रहे, फिर आप वैलेट के अंदर आए और यहाँ पे आप देखें कि एक्स टोकन आपके कहाँ पे पड़े हुए हैं, फंडिंग में है या नहीं है, ट्रेडिंग में है, जहाँ पे भी पड़े हुए हैं। अभी मेरे एक्स टोकन जो है वो ट्रेडिंग के अंदर पड़े हुए हैं। अगर आपके फंडिंग में पड़े हैं तो आपने क्या करना है, उनको ट्रांसफर कर लेना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनके ऊपर आपने क्लिक किया, फिर आपको यहाँ पे ट्रांसफर का ऑप्शन नजर आएगा, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करें, ऊपर ट्रांसफर का बटन भी आपको मिल रहा है। यहाँ से आपने जो है फंडिंग से आपने ट्रेडिंग में डाल देना, आपकी जो है ट्रेडिंग हो जाएगी उसी टाइम विद इन 2 मिनट। मैं आपको बताऊंगा 5:02 तक के आपने सेल करने हैं या होल्ड करने हैं। इसके बाद जी हम आ जाते हैं अपना बिटगेट के अंदर, यहाँ पे बायबिट के अंदर। बायबिट का भी सेल करने का तरीका सेम है। यहाँ पे पहले अपना वैलेट के अंदर जो है आप चेक करें कि आपको टोकन रिसीव हुए हैं या नहीं। यहाँ पे 2 ऑप्शन मुझे दे रहा है, अगर आपको नहीं दे रहा एसेट के ऊपर क्लिक करके आपने फिर जो है ओपन कर लेना, आपको वहां पे एसेट जो है नजर आ जाएंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन मुझे नजर आ रहे हैं, यूनिफाइड और यहाँ पे फंडिंग। अब यहाँ पे मैं पहले यूनिफाइड के अंदर चेक करूंगा और ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे सर्च बार के अंदर मैं एक्स लिख के यहाँ पे जो है मैं अपने एक्स टोकन जो है वो यहाँ पे देख लूंगा कि आया कि मुझे एक्स टोकन यहाँ पे रिसीव हुए हैं या नहीं हुए। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी शो नहीं हो रहे, तो अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहे बैक कर देंगे। अब हम फंडिंग में आ जाएंगे, अगर वहां पे शो होते हैं यूनिफाइड के अंदर वहां से आपने ट्रांसफर कर लेने हैं। ट्रांसफर करने का तरीका आपको सिंपल बताया हुआ है, यहाँ से ऐसे आपने जो कर लेना। अब यहाँ पे मुझे जो है मेरे अकाउंट के जो है यहाँ पे टोकन रिसीव हो चुके हैं एक्स टोकन, अब हमने इनको सेल करना है। फिर हमने ट्रेड के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे कैट्स मुझे नजर आ रहे, कैट्स के ऊपर क्लिक करके ऊपर सर्च में मैंने लिख देना है एक्स, और यहाँ पे एक्स टोकन को आपने जो है सर्च करके
पहले जो है बायबिट वाले पहले सर्च करके जो है उसे ओपन करके रखे। तो एक्स यहाँ पे मैंने किया, आई थिंक यहाँ पे हो सकता है एक्स जो है अभी तक सही तरह शो नहीं हो रहा, वर्किंग नहीं कर रहा, शो भी नहीं हो रहा। तो हो सकता है अभी जो है शो ना हो, 5 बजे या 4 बजे जो है जाके हमें शो हो। तो एक्स अभी जो है हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा, यहाँ पे फ्यूचर में देखते हैं, यहाँ पे भी तो नहीं होगा ना। XRP XR XLM इसमें अभी शो नहीं हो रहा, लेकिन तरीका वही है जो मैंने आपको OKX का वाला पीछे बताया। बिल्कुल आपने यहाँ पे जो है कैट्स के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे X को जो है आपने सिलेक्ट कर लेना, वो ऊपर ऊपर आपको नजर आ जाएगा जब जो है लिस्ट होगा। ये भी ग्रुप के अंदर मैं बता दूंगा, ठीक है। ट्रेड वैसे करनी है, मार्केट आपने सिलेक्ट करना है, पहले वहां पे लिमिट होगा, आपने मार्केट ऑर्डर वहां पे सिलेक्ट किया, टोटल पॉइंट्स आपने वहां पे जो है अपने टाइप किए या पट्टी पकड़ के आपने खींच देनी है, सेल के ऊपर आपने क्लिक कर देना, ये हो गया। इसके बाद बिटगेट के अंदर देखते हैं, यहाँ पे भी एक वैलेट का जो है मैंने विड्रा लगाया था, देखते हैं रिसीव हुआ या नहीं। यहाँ पे क्लिक किया ऊपर, आपने सपोर्ट के ऊपर क्लिक किया, 20,905 टोकन यहाँ पे भी मुझे जो है शो हो चुके हैं। तो अब मजे की बात ये है कि अगर तो आपने अभी तक वीडियो देखी है, इंशाल्लाह आज गिव अवे भी लाजमी होगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो इंशाल्लाह जरूर आज गिव अवे मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे शो हो गए। अब क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे एक्स टोकन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, आपने सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके एक्स और USPT का जो पेयर है वो आपने सिलेक्ट करना है, सेम वही चुई। यहाँ पे सेल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, सेल के ऊपर क्लिक किया, मार्केट किया, आपने लिमिट ऑर्डर से मार्केट करना है, ताकि उसी टाइम जो भी मार्केट का रेट होगा उसी टाइम हमारे टोकन सेल होके हमारे जितने भी डॉलर बनेंगे वो हमारे वैलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो है आपने पूरी अपनी क्वांटिटी जो है वो लिख देनी है और सेल ऑर्डर के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपके टोटल टोकन जो है वो सेल होके आपके वैलेट के अंदर आपके डॉलर जो है वो शो हो जाएंगे। डॉलर आपसे मैं 2 दिन के बाद ले लूंगा, अगर आप सेल कर सकते हैं कहीं पर तो सेल कर दें, अदरवाइज 2 दिन आपको वेट करना होगा, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट है वो बोलते हैं ना कि अगर कोई आपको इनको पता लग जाए ना कि कल कियामत है तो ये कफन महंगे कर दें, तो ये वो मार्केट है। जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है 2 दिन के बाद मार्केट में डॉलर का रेट जो है वो ठीक हो जाता है। P2P यूज नहीं करना, P2P स्कैम कर रहे हैं, तो आपने मेरी जो है अपडेट का वेट करना है। मैं ग्रुप के अंदर नंबर शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप चैनल के अंदर ज्वाइन नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, फिर आपने आके कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्टैक्ट करने के बाद फिर आप मुझे डॉलर अपने जो है सेल आउट कर पाएंगे और रेट भी डॉलर का जो बेहतर हो जाए। इस तरह डॉलर का 20-30 रुपए पर डॉलर जो रेट कम कर देते हैं, ये वो पाकिस्तानी अवाम है जिस वजह से जो है हम क्रिप्टो में पीछे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई क्वेश्चन क्वारी हो तो कमेंट करें, और इंशाल्लाह आज अगर आप लाइव का बोलेंगे तो मैं लाइव भी आके आपके टोकन जो है सेल करवाऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।